बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुदरत ब्यूटी सीक्रेट। आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। सो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स है कि होंठों को किस तरह गुलाबी किया जाए। होंठ अगर स्याह हों तो खासे बदनुमा महसूस होते हैं और आपकी शख्सियत भी इससे मुतासर होती है। होंठों के तराफ की जिल्द स्याह होने लगे तो इससे होंठों और इन पर लगी लिपस्टिक की खूबसूरती मान पड़ जाती है। होंठ हमारे चेहरे का सबसे हसास, खूबसूरत और पुरकश हिस्सा है। चेहरे की खूबसूरती और ताजगी में जो किरदार होंठ अदा करते हैं, वो चेहरे का कोई और हिस्सा नहीं कर सकता। बाज़ खवातीन के कुदरती गुलाबी होंठ काले पड़ जाते हैं, जिससे होंठों की खूबसूरती मान पड़ जाती है। अक्सर लोगों के होंठ बचपन में नरम मुलायम और गुलाबी होते हैं, मगर जूं जूं उम्र बढ़ती है और होंठों की देखभाल भी मुनासिब नहीं होती तो होंठ स्याह और खुरदरे हो जाते हैं, जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को मांद कर देते हैं। होंठ स्याह होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी या मतवाजन गज़ा का ना होना वगैरह। अगर आपके होंठ बहुत काले और फटे हुए हैं तो मेरे पास आपके होंठों को गुलाबी और नरम मुलायम बनाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इस नुस्खे पर अमल करके अपने होंठों को कुदरती तौर पर गुलाबी और नरम मुलायम बना सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही आसान और सस्ता है। इसको आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपको आसानी से घर पर मिल जाएंगी। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे और नरम मुलायम। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें। सो व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है लेमन। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारी जिल्द की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है। नींबू का रस विटामिन सी का ख़जाना है। इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है। नींबू इंसान के जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। और दूध की बलाई में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन को स्मूथ बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए जो स्किन को हेल्थी बनाता है। ये हमारी जिल्द को नरम मुलायम भी बनाने में हमारी मदद करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच दूध की बलाई, और चंद कतरे लेमन जूस। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अपने होंठों पर अप्लाई करें। होंठों पर अप्लाई करके हल्का हल्का होंठों पर मसाज करें। इसको दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल करने से आपके होंठ आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो जाएंगे और आपके होंठ नरम मुलायम हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।